हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। इसकी पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपको बताए थे कंक्रीट मिक्स के बारे में, जिसमें आपको बताए थे नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, या इसी को बोला जाता है कंक्रीट स्ट्रेंथ एक्सेप्टेंस। ये जो है विद्यार्थी आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये IS कोड 456:2000 के द्वारा दिया गया है। ये देखिए क्या होता है विद्यार्थी, कि जब कोई स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वहाँ जो कंक्रीट रहता है उसको पहले टेस्ट किया जाता है कि वो कंक्रीट आपका अच्छा है कि नहीं, वो आपका एक्सेप्टेंस लाइक है कि नहीं टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है IS कोड द्वारा। तो वो क्राइटेरिया क्या होता है विद्यार्थी, उसके बारे में आज हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट शैल नॉट बी लेस देन FCK +0.825 सिग्मा। यानी बोला जा रहा है कि जो क्यूब बनाएंगे, 4 क्यूब बनाएंगे और उसका टेस्ट करेंगे, और जो होना चाहिए टेस्ट विद्यार्थी वो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, नहीं एक जैसा रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो वही 4 हम टेस्ट करेंगे, तो चारों टेस्ट से जो रिजल्ट आएगा उसका एवरेज निकालेंगे, और यानी एवरेज जो रिजल्ट रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहना चाहिए FCK +0.825 सिग्मा, या तो फिर आपका F एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए FCK +3। अब देखिए विद्यार्थी ये दोनों में कौन वैल्यू लेंगे, तो ये दोनों में जो वैल्यू आपका ज्यादा रहेगा उसको लेंगे। वही चीज लिखा हुआ है कि बीच वन इज मैक्सिमम, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 0.5 को राउंड अप करना है। इसका जो यूनिट होगा विद्यार्थी न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। अब देखिए फर्स्ट जो क्राइटेरिया है आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लेते हैं जो कंक्रीट आप बनाए थे टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर वो M30 का था, ठीक है। तो वहां पर 4 क्यूब लेंगे और चारों क्यूब का क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करेंगे तो मान लेते हैं वो स्ट्रेंथ आपका कितना आया, 30 आया, 31 आया, 32 आया और 33। ये जो आपका रहेगा विद्यार्थी न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। इसका एवरेज अगर जो निकालेगा तो आ जाएगा 31.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मान लेते हैं इक्वेशन इसको 1। अब देखिए IS कोड के द्वारा फॉर्मूला जो है आपका एक दो फॉर्मूला, तो दोनों से हम निकालते हैं F एवरेज। तो F एवरेज पहला क्या आ जाएगा, FCK। तो देखिए M30 के लिए FCK का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। यहाँ FCK बराबर हो जाएगा 30 फॉर किसके लिए, M30 के लिए। तो देखिए FCK की जगह पर 30 रख दिए प्लस 0.825 इंटू यहाँ क्या है सिग्मा। तो M30 के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होता है 5 को यहाँ रखेंगे तो आपका F एवरेज आएगा 34। अब देखिए दूसरा जो आपका फॉर्मूला इसे निकालते हैं F एवरेज बराबर FCK +3। यहाँ देखिए FCK आपका 30, तो 30 +3 आपका आ जाएगा 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों में कौन लेना है, जो आपका ज्यादा है, तो ज्यादा आपका क्या है 34, तो वही लिखें कि 34 ग्रेटर देन 33। तो इसलिए F एवरेज बराबर हो गया 34। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए विद्यार्थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम देखते हैं तो जो आपका एवरेज वैल्यू आया है वो क्या है, कम है आपका 34 से, इसलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है ये फेल कर गया। तो वही लिखें कि रिजल्ट आपका फेल, यानी कि वहाँ जो आप कंक्रीट बना रहे हैं वो सही नहीं है, वहाँ क्या करना पड़ेगा, उस कंक्रीट को हटा के दूसरा कंक्रीट आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर जो विद्यार्थी ये रिजल्ट आपका क्या है पास कर जाता है तो इसके लिए आपका अगला जो क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल करना चाहिए। तो देखिए अगला क्राइटेरिया क्या है विद्यार्थी, उसके बारे में आपको बताते हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थी आपका सेकंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है वो हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल नोट लेस देन FCK -3, यानी कि ITR बोले तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट का वैल्यू जो होना चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए FCK -3। अब देखिए विद्यार्थी एक क्राइटेरिया को एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। मान लेते हैं जो कंक्रीट आप बनाए वो M30 है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, 4 क्यूब तैयार करेंगे, 4 क्यूब तैयार करने के बाद क्या इसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद मान लेते हैं जो आपका स्ट्रेंथ का वैल्यू आया है वो 25, 33, 38 और 40 आया। ये जो रहेगा विद्यार्थी आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 34, ये भी रहेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए आपका जो फर्स्ट क्राइटेरिया था IS कोड के अनुसार F एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू रहना चाहिए FCK +0.825 सिग्मा। अब देखिए इसका अगर जो हम निकालते हैं F एवरेज तो इसका कितना आ जाएगा 30, M30 के लिए FCK का वैल्यू 30 होगा प्लस 0.825 और यहाँ सिग्मा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो इसको कैलकुलेट करेगा तो आपको आएगा 34.125। तो इसको देखिए अगर जो हम राउंड अप करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 34। तो देखिए विद्यार्थी इसका एवरेज आया था 34 और IS कोड के अनुसार क्या है आपका 34 ही आ रहा है, यानी कि दोनों बराबर, इसलिए आपका क्या फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को क्या गया पास किया।
अब देखिए आपका सेकेंड जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसको चेक करते कि इसको पास कर रहा है कि नहीं। तो देखिए आईएस कोड के अनुसार आईटीआर बराबर क्या होता है, एफ सी के माइनस थ्री। तो देखिए यहाँ आईटीआर का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, एफ सी के आपका 30, तो 30 माइनस थ्री बराबर 27। तो ये जो आपका वैल्यू आया विद्यार्थी, इसको कंपेयर करना है ए सबसे। तो यहाँ देखिए 25 जो है ये 27 से क्या है, कम है, यानी कि क्या है आपका जो है आईटीआर का जो आपका कंडीशन है वो फेल कर रहा है, इसलिए क्या है ये सेकेंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को पास नहीं कर रहा है वही। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो आपका आया है फेल आए, बिकॉज क्या सेकेंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं किया है। यहाँ क्या लिखे हैं कि बिकॉज हेयर यम 30 सेटिस्फाइड फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बट सेकेंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नॉट फुलफिल। फर्स्ट तो आपका फुलफिल कर दिया लेकिन सेकेंड आपका फुलफिल नहीं किया, इसलिए क्या है यहाँ पर जो यम 30 का कंक्रीट हम बनाए वो क्या है आपका अच्छा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा उस कंस्ट्रक्शन के लिए। के बाद देखिए विद्यार्थी इसमें थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि द टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल शैल बी एवरेज ऑफ थ्री स्पीसी माइन एंड द इंडिविजुअल वेरिएशन शैल नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 50% ऑफ द एवरेज अदरवाइज द रिजल्ट आर इनवैलिड। ये जो आपका विद्यार्थी पॉइंट है ये चेक किया जाता है कि जो आप टेस्ट किए हैं वो आपका सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं। मान लेते हैं M30 का कंक्रीट है, इसको टेस्ट किए तो आपका रिजल्ट आया, पहला आया 29.6, सेकेंड आपका आया 34.2, थर्ड आपका आया 36.7 और फोर्थ आपका आया है 39.1। अब देखिए क्या करेंगे, इसका पहले एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालें तो आपका आ गया है 35। तो देखिए फर्स्ट आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो आईएस कोड के अनुसार क्या है, यफ एवरेज बराबर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू यफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा, और यफ एवरेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू यफ सी के प्लस 3। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर यफ एवरेज निकालते हैं तो यफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा, यफ सी के आपका कितना है 30, तो 30 रख दिए, यहाँ सिग्मा के वैल्यू 5 रखेंगे तो यफ एवरेज आपका आ जाएगा 34। तो देखिए यहाँ पहला क्या था 35, यहाँ क्या है 34। तो यहाँ देखिए फर्स्ट के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपका क्या है फुलफिल कर रहा है, बिकॉज 35 आपका ज्यादा है 34 से, इसलिए देखिए सबसे पहला क्या है आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर गया। उसके बाद देखिए सेकेंड क्या है, आईटीआर निकालें, आईटीआर का वैल्यू क्या होता है एफ सी के माइनस 3, इससे आपका आ जाएगा 27। तो मिनिमम रिजल्ट आपका यहाँ पर देखिए क्या है 29.6 और मैक्सिमम आपका है 39.1। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी जो मिनिमम है 29.6 ये आपका ज्यादा है किससे, 27 से। तो देखिए आपका सेकेंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी क्या है आपका फुलफिल कर गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर वेरिएशन निकालना है, वेरिएशन आपको -15 से +15% के बीच में रहना चाहिए। तो देखिए आपको मिनिमम हम वेरिएशन निकालते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे कम है 29.6 इसको क्या करेंगे 29.6 माइनस जो आपका है 34.9 ये रिजल्ट इसको यहाँ घटाएंगे और बटे 34.9 इंटू 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या है परसेंटेज में आ जाएगा वेरिएशन। तो यहाँ पर अगर जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा -15.1%। उसके बाद देखिए मैक्सिमम निकालते हैं वेरिएशन कितना है, तो मैक्सिमम आपका कितना है 39.1, तो यहाँ पर क्या करेंगे 39.1 माइनस जो ये रिजल्ट आपका आया 34.9 यहाँ घटाएंगे बटे 34.9 इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा विद्यार्थी आपका 12.03। तो देखिए विद्यार्थी आपको क्या बताए -50% से +50% के बीच में आना चाहिए। तो ये देखिए आपका तो वैल्यू क्या है ये ज्यादा हो गया आपका -15 नहीं आ गया -15.1 है, और ये भी आपका क्या है वैल्यू जो आपका बाहरी कर रहा है इससे। तो ये देखिए आपका क्या है आपका क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल नहीं किया है, इसलिए क्या हो जाएगा ये इनवैलिड। तो वही लिखे नीचे में कि रिजल्ट इनवैलिड, यानी इसका इनवैलिड करने का मतलब क्या है विद्यार्थी कि जो आप क्यूब बनाए हैं टेस्ट किए हैं वो आपका क्या है गलत है, उसको फिर से क्यूब बनाइए और फिर से उसको टेस्ट कीजिए। आपका जो कंक्रीट है वो बनाया हुआ सही है लेकिन जो टेस्ट आप किए हैं उसको क्या है फिर से कीजिए, बिकॉज वहाँ टेस्ट में आपको गड़बड़ी होगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थी यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग, अब टेस्टिंग के लिए कितना हम सैंपल बनाएंगे उसके बारे में हम फॉर्मूला बताते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है वन सैंपल बराबर होता है 8 क्यूब। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कंक्रीटिंग, अब देखिए कंक्रीटिंग जब करिएगा तो वहाँ टेस्ट करेंगे तो कितना सैंपल हमको बनाना है इसके बारे में हम बताते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला है, अगर जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट मीटर क्यूब में है अगर जो इस प्रकार से रहेगा तो नंबर ऑफ सैंपल इस प्रकार से रहेगा, अगर जो 1 से 5 मीटर क्यूब तक अगर जो आपका कंक्रीट रहा तो उसके लिए नंबर ऑफ सैंपल 1 होगा, 6 से 15 तक आपका रहेगा तो उसके लिए 2 होगा,
16 से 30 तक के रहेगा तो उसका 3 हो जाएगा, अगर जो 30 से 50 के बीच में या इक्वल रहेगा तो उसका 4 हो जाएगा, अगर जो 51 रहे या इससे एबव रहे तो उसमें क्या करना है, 4+1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच 50 m³ और ईट फर्स्ट पार्ट। यानी कि विद्यार्थी क्या बोले कि अगर जो 51 से ज्यादा रहेगा तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, 4 तो होगा, लेकिन प्रत्येक 50 के लिए क्या करेंगे, एक सैंपल हम जोड़ते चले जाएंगे। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बराबर आपका 35 है। अब देखिए इसके लिए नंबर ऑफ सैंपल और नंबर ऑफ क्यूब कितना होगा इसको निकालते। देखिए 35 कहाँ, 35 आपका यहाँ लाइक करा, यानी कि आपको नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए बोले हैं कि नंबर ऑफ सैंपल बराबर 4 और नंबर ऑफ क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 8 यानी कि 32। बिकॉज आपको बताएं कि 1 सैंपल बराबर होता है 8 क्यूब, तो यहाँ 4 सैंपल आपका आया तो नंबर ऑफ क्यूब निकालें तो कितना आएगा, 32। उसी प्रकार से देखिए विद्यार्थी 105 m³ के लिए निकालते हैं तो इट इज एबव 50। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ क्या है, 50 से अबव है तो सबसे पहले क्या है, 4 तो ले लेंगे, उसके बाद क्या है प्रत्येक 50 के लिए क्या है हम 1 क्यूब लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 105 है इसको लिख सकते हैं 50+50+5, तो इसके लिए देखिए 4 हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, यानी कि 4 × 5 = 6 यानी टोटल कितना हो गया, 6। अब आपको मालूम है कि एक सैंपल में आपका 8 क्यूब, तो यहाँ 6 सैंपल है तो 6 सैंपल में आपका कितना हो जाएगा, 6 × 8 यानी कि 48 क्यूब आपको बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार से विद्यार्थी आपको वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अगर जो 218 m³ रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि नंबर ऑफ क्यूब कितना होगा। ठीक है विद्यार्थी, आज के वीडियो लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में आपको कहीं डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके डाउट को दूर करेंगे। थैंक यू विद्यार्थी।